चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य के चूरू जनपद में जिला मुख्यालय चूरू से उत्तर में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चूरू जनपद का सातवां सबसे बड़ा शहर तारानगर। पूर्व में राजगढ़ की ओर से तारानगर पहुंचने पर शहर के पूर्वी छोर पर स्थित महाराजा अग्रसेन चौक दिखाई पड़ता है। महाराजा अग्रसेन चौक शहर का व्यस्ततम चौराहा है। चौराहे के निकट ही तारानगर का सिविल न्यायालय का परिसर भी स्थित है। अग्रसेन चौक से उत्तर पश्चिम में सड़क साहवा नोहर की ओर एवं दक्षिण पश्चिम की ओर का मार्ग उपखंड अधिकारी कार्यालय, परशुराम चौक, माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय से होते हुए चूरू सरदार शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। अग्रसेन चौक से पश्चिम में मुख्य सड़क तारानगर शहर की ओर प्रवेश करती है। तारानगर शहर में वर्तमान में लगभग 40,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से चूरू जनपद का सातवां सबसे बड़ा शहर है। यह वर्तमान में चूरू जनपद की 9 तहसीलों एवं 6 उपखंडों में एक है। राज्य राजधानी जयपुर से इसकी दूरी लगभग 260 किलोमीटर एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की है। ब्रिटिश काल में तारानगर शहर बीकानेर साम्राज्य का भाग था। देश स्वतंत्र हुआ तो यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बना एवं एक तहसील के रूप में चूरू जनपद में सम्मिलित कर लिया गया। मुख्य सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए बस स्टैंड पर पहुंचती है। बस स्टैंड तारानगर से आसपास के शहरों में आवागमन हेतु बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। बस स्टैंड के निकट ही उपजिला चिकित्सालय का परिसर, नगर पालिका मंडल तारानगर का कार्यालय एवं थाना कोतवाली तारानगर का प्रशासनिक भवन स्थापित है। मुख्य सड़क बस स्टैंड से पश्चिम में अंबेडकर चौक की ओर बढ़ जाती है। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। डिवाइडर युक्त यह आधुनिक सड़क तारानगर शहर की जीवन रेखा है। तारानगर राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। तारानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का गठन 1977 में किया गया था। इससे पूर्व यह चूरू एवं सरदार शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा रह चुका है। सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए शहर के हृदय केंद्र अंबेडकर चौक पर पहुंचती है। अंबेडकर चौक पर भी सदैव व्यस्तता बनी रहती है। अंबेडकर चौक से पश्चिम की ओर तारानगर का मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। तारानगर व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर है। आसपास के ग्रामीण एवं शहर के स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में तारानगर में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मेन बाजार शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह समस्त क्षेत्र पुराने शहर का हिस्सा है। तारानगर शहर चूरू जनपद के 7 पुलिस सर्किल एवं 20 थाना क्षेत्रों में एक है। अंबेडकर चौक से दक्षिण में प्रारंभ होने वाली सातियों बस स्टैंड मार्ग भी शहर की मुख्य सड़कों में एक है। यह मार्ग परशुराम चौक से होते हुए सातियों की ओर प्रस्थान कर जाता है। तारानगर आना, इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तारानगर शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो तारानगर शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।